क्या है गुजरात की भावनगर ग्रामीण सीट का चुनावी मिजाज? क्या बीजेपी का किला भेद पाएगी कांग्रेस और आप, या एक बार फिर खिलेगा कमल? क्या है भावनगर ग्रामीण सीट का सियासी समीकरण? गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे गुजरात का चुनावी पारा बढ़ रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से चुनावी दंगल में उतरी है। गुजरात में जारी इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। इस कड़ी में आज बात होगी गुजरात की सबसे चर्चित भावनगर ग्रामीण विधानसभा सीट की। गुजरात में भावनगर ग्रामीण सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती बड़ी है। इस बार मुकाबला कैसा रहने वाला है सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि इस वीडियो में हम भावनगर ग्रामीण सीट के बारे में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले बात राजनीतिक इतिहास की होगी, फिर मौजूदा समीकरण, फिर चुनावी मैदान में इस बार कौन कौन चेहरे हैं इसके बारे में जानेंगे, और सबसे आखिरी में बात होगी जनता के मुद्दों की। ये वो मुख्य बातें हैं जिनके बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात इतिहास की। गुजरात में भावनगर ग्रामीण सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। इस विधानसभा सीट पर पिछले 5 टर्म से बीजेपी जीतती आई है। 35 सालों से यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी के पुरुषोत्तम भाई सोलंकी ने 2007, 2012 और 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में यहां से जीत की हैट्रिक लगाई थी। ये तो हुई बात इतिहास की। अब थोड़ा मौजूदा समीकरण पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात मतदाताओं की करते हैं। भावनगर ग्रामीण सीट में कुल 2,91,461 मतदाता हैं। इसमें 1,51,749 पुरुष मतदाता और 1,39,712 महिला मतदाता हैं। अगर जातिगत समीकरण देखें तो भावनगर ग्रामीण विधानसभा सीट पर कोली समुदाय, पटेल समुदाय और क्षत्रिय समुदाय का दबदबा है। वहीं बात अगर उम्मीदवारों की करें तो इस बार के चुनावी मैदान में सत्तारूढ़ बीजेपी ने पुरुषोत्तम भाई सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इस बार कांति भाई चौहान की जगह रेवत सिंह गोहिल को और आम आदमी पार्टी ने कुमन सिंह गोहिल को टिकट दिया है। ऐसे में इस बार मुकाबला कड़ा होने की पूरी उम्मीद है। भावनगर ग्रामीण सीट पर अगर बात जनता के मुद्दों की करें तो यहां रोजगार की समस्या को लेकर विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है। निर्वाचन क्षेत्र में इस सीट के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है, ऐसे में किसानों को प्याज का सही दाम ना मिलने से आक्रोश है। इस सीट पर 1 दिसंबर को मतदान होना है, ऐसे में इन समस्याओं का हल कब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में जीत का परचम लहराएगी या आम आदमी पार्टी के एंट्री से चुनावी समीकरण बदल जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।